लीजिए। तारक बेटे, शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं और सारी इंद्रियां काम करती हैं सांस की वजह से, और तुम अपने दादाजी की सांस ही हो। चलते हैं जीते रहो। बाबूजी आजकल खुश रहते हैं। स्नेहा, तारक जो तारक कहाँ गया? लगता है अब तक भगवान से कुछ मांग रहे हैं, इसलिए अब तक अंदर ही हैं। भगवान, आज तक आपसे मैंने कुछ नहीं मांगा है, लेकिन मेरे दादाजी मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, बस आप उन्हें जिंदगी भर खुश रखिए, यही चाहता। क्यों रे लड़की, तूने अंदर क्या कहा था? गुंडे लोग एमएलए बनेंगे तो ऐसा ही होगा। सीनो, इसे उठा कर ले आ, देखता हूं मेरा कौन क्या करता है। की तैयारी में है, फिर इनको ऊपर कौन भेजना चाहता था? हेलो, क्यों सर, वो लोग कौन है, क्यों अटैक किया, इंक्वायरी के बिना आप लोगों ने उसे छोड़ दिया? मैं डीसीपी से बात करता हूँ। अरे छोड़ो ना ये सब, आखिर क्यों इतना परेशान हो रहे हो तुम लोग? मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। बाबूजी आप चुप रहिए, आपको कुछ नहीं पता। सुनो, तुम लोग जाओ, इन्हें रेस्ट करने दो। नमस्ते सर। सर दादाजी, मैंने टेस्ट किया है, मसाले में थोड़ा सा नमक ज्यादा हो गया है। तुमने बिल्कुल सही कहा, प्रोडक्शन में जाने से पहले चेक करो। ओके सर। क्या हो गया था बेटा तुझे, जो इस तरह से सबसे लड़ पड़ा? बाबूजी, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अरे मदर इंडिया। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तारक, तुमने देखा रविंद्र किस तरह से पुलिस वालों पर भड़क गया था? अगर मुझे जरा सा भी कुछ हो जाए तो वो सह नहीं पाता। मेरा अपना बेटा भी मुझे इतना प्यार नहीं करता। तारक, आपको एक बात पता है क्या? दादाजी आपका सीक्रेट,
हर साल आपके जन्मदिन पर दादाजी आपके लिए नए कपड़े लेकर आते हैं। ये देखिए, देखो क्या है ये दादाजी। मैंने सोचा था लड़की होगी। ये भी देखो। ये इस साल का है, पहन के देखो। ये क्या दादाजी, ये तो कितना लूज है। क्या करूं बेटा, मैंने सोचा सरला तुम्हें खूब खिलाती होगी और तुम खूब मोटे होगे, यही सोच कर इसे लाया था। अच्छा तो मुझे एयरपोर्ट पर आपने कैसे पहचान लिया? खून का संबंध है ना, अपने आप ही पता चल जाता है। मेरा बेटा तो मेरा सपना नहीं पूरा कर पाया, उम्मीद है ये जिम्मेदारी तुम उठाओगे। आप ही ने कहा था दादाजी कि किसी को खून देकर उसकी जान बचाने वाला खून का संबंध रखने वाले से बड़ा होता है, तो ये जायदाद ये सब कुछ संभालने के लिए आपको अपना ही खून क्यों चाहिए? ऐसा नहीं है बेटा। तो कैसा है, दादा का पोते को, बाप का बेटे को ऐसी ही सोच रही तो देश आगे कभी नहीं बढ़ेगा। सांबर पाउडर में नमक थोड़ा ज्यादा है, ये जैसे ही उसने चुटकी बजाते ही पहचान लिया, तभी मैंने डिसाइड कर लिया था। आपके कंपनी के नेक्स्ट एमडी स्नेहा को होना चाहिए, मुझे नहीं। स्नेहा मैडम कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। दादाजी आप आराम कीजिए, बाद में मिलता हूँ। दादाजी आप फिक्र मत कीजिए, मैं तारक को समझा दूंगी। मेरे पोते के बारे में तेरी ओपिनियन क्या है? और क्या होगी दादाजी, आपका पोता इतना डेयरिंग है, स्मार्ट है और डायनामिक है, अपने से बड़ों की इज्जत करता है, he is a complete man। मैं सोच रहा हूँ इसकी शादी आपस की ही किसी लड़की से हो जाए तो अच्छा रहेगा। ये कौन सी बड़ी बात है, इससे शादी करने के लिए तो लड़कियों की लाइन लग जाएगी, इसके बीवी बनने के लिए तो कोई भी तैयार हो जाएगी। और तुम? हाँ? मैंने पूछा तुम? दादाजी मैं देख रहा हूँ वो जब से यहाँ पर आया है तुम्हारे साथ उसका वक्त बहुत अच्छी तरह बीत रहा है, तुम्हारे साथ हंसता है, बोलता है, और मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें पसंद करता है। जो गलती उसके पापा के साथ हुई है वही गलती मैं दोबारा नहीं चाहता, इसीलिए मैंने इससे पूछा था तुझे कोई पसंद है, तो इसने साफ मना कर दिया और कहा कि मुझे इंडियन और संस्कार वाली लड़की ही पसंद है। अब उसे तुम जैसी संस्कारी लड़की और कहाँ मिलेगी। आप भी ना दादाजी। मैंने तुमसे कुछ पूछा बेटी, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। दादाजी जब कोई किसी को एक फूल देता है तो दूसरा बहुत खुश होता है, लेकिन आप तो पूरा का पूरा बगीचा ही दे रहे हो। One second।